हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। एंकल फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर या तो सर्जरी करते हैं या तो फिर प्लास्टर और पेरिस लगा के फिर एक या तो डेढ़ महीने या तो कई बार दो से तीन महीने के लिए रेस्ट देना जरूरी होता है पेशेंट को। यहाँ पर फ्रैक्चर के बाद जो यह सर्जरी या तो POP लगाते हैं, इनसे होता क्या है, जो हमारा एंकल होता है एंकल में बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है। इसलिए जब POP निकालते हैं या तो फिर सर्जरी का जो रेस्टिंग पीरियड ख़त्म होता है उनके बाद एंकल में बहुत ही ज़्यादा जकड़न हो जाती है। यहाँ पर यह सर्जरी के बाद और जो POP निकालते हैं उनके बाद इनकी एक्सरसाइज फिजियोथेरापी करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। पर कई बार क्या होता है कि जो दर्दी होता है वह गांव में रहता है, वहां पर फिजियोथेरापी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, या तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन कई बार फिजियोथेरापी रिकमेंड नहीं करते, घर पे ही दर्दी को एक्सरसाइज करने को बोल देते हैं, सादी एक्सरसाइज करने को बोल देते हैं। पर उनसे जो हमारे एंकल की रेंज आनी चाहिए वह रेंज नहीं आ पाती है। इनकी वजह से होता क्या है कि जो रूटीन फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पर हम एडवांस लेवल की आपको एक्सरसाइज सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप एंकल की जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट आनी चाहिए वह नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट आप आसानी से ला सको घर पर ही। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जो लोग के वहाँ फिजियोथेरापी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वह लोग यह वीडियो देख के घर पर ही यह एक्सरसाइज करके एंकल की रेंज ऑफ मूवमेंट ला सकें। पर अगर आपके वहाँ फिजियोथेरापी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो मेरा आपसे यही एडवाइस है कि आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाइए, वहाँ पर एक्सरसाइज करवाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक्सरसाइज कर पाओगे। यहाँ पर हमारा जो एंकल होता है एंकल में आगे की जो मूवमेंट होती है वह आसानी से आ जाती है, पर जो इस तरीके से ऊपर की मूवमेंट होती है वह आने में दिक्कत होती है। और यही मूवमेंट हमारा जो रूटीन फंक्शनल वर्क होता है एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर यही मूवमेंट हमें ज़्यादा चाहिए होती है। चलने के लिए भी हमें यही मूवमेंट चाहिए, चलने के लिए हमें इसी तरीके से हमारा लेग बेंड होता है तभी हमें यही मूवमेंट चाहिए। नीचे बैठने के लिए भी हमें जो नीचे की ऊपर की मूवमेंट आनी चाहिए वही ज़्यादा मूवमेंट होनी चाहिए। नीचे अगर आपको बैठना है इस तरीके से तो यहाँ पर ही हमारा जो एंगल होता है वह एंगल कम होता है। अगर वहाँ पर जकड़न है तो फिर यह जो आपकी बैठने की एक्टिविटी है वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, आपको पैर इस तरीके से आगे रख के फिर बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर बैठने के लिए नॉर्मल रेंज चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इस तरीके से दर्दी आगे पैर रख के बैठता है। नीचे अगर बैठ के आपको काम करना होता है, इस तरीके से काम करना होता है तो यही रेंज तो चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तो आप किसी भी हिसाब से नीचे नहीं बैठ पाओगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है इसमें हमें आगे की रेंज खास चाहिए, यानी कि ऊपर की रेंज बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ कि जिनको अगर आप थोड़े टाइम के लिए घर पे करते हो, दिन में दो या तीन बार जितना भी आप टाइम निकाल पाओ वह अगर आप करते हो तो थोड़े टाइम में आपकी रेंज इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वह भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं यह सभी एक्सरसाइज सिखा देता हूँ, इनको आप घर पे करना शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है कि अगर आपको डॉक्टर ने फुल वेट बेरिंग एडवाइस किया है उनके बाद ही यह सभी एक्सरसाइज करिएगा, यानी कि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप पूरा वेट शरीर का वेट अपने पैरों पे दे सकते हो उनके बाद ही यह सभी एक्सरसाइज करिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सभी एक्सरसाइज है वो एडवांस लेवल की है, इनसे आपको रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी मिलेगा, पर यहाँ पर हमारे पूरे बॉडी का वेट हमारे पैरों पे हमारे एंकल पे आने वाला है, इसलिए डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आप यह एक्सरसाइज शुरू करिएगा। मिनिमम डेढ़ से दो महीने के बाद यह एक्सरसाइज शुरू करनी होती है, इसलिए यह टाइम ड्यूरेशन भी आप माइंड में रख सकते हो। तो यह सभी एक्सरसाइज हम जान लेते हैं।
यहां पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको नॉर्मल लेग की रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कि एंकल की जो मोबिलिटी होती है वह चेक कर लेनी है। फिर आपको जो अपना अफेक्टेड लेग है यानी कि जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वह एंकल की रेंज ऑफ मूवमेंट मेजर करनी है। वह रेंज ऑफ मूवमेंट को आप किसी जगह पर नोट कर दीजिए, फिर थोड़े दिन के लिए एक्सरसाइज करिए, फिर वापस जो अफेक्टेड लेग है इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट मेजर करिए, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े टाइम पर रेंज ऑफ मूवमेंट मेजर करते रहिएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इनको आप आसानी से सीख सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। इनके लिए आपको इस तरीके का मेजर टेप लेना है। फिर जो टेबल होता है वह टेबल या तो आप जो दीवार होती है दीवार के सहारे भी यह जो टेस्ट है वह टेस्ट कर सकते हो। जो मेजर टेप है या मेजर टेप को इस तरीके से फ्लोर पे रख देना है। जो दीवार होती है या तो फिर यहाँ पर हमारे टेबल का पिलर है इनके एग्जैक्ट सामने टच करके यह टेप को रख देना है। फिर आपको ऐसे खड़े हो जाना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम सोच लेते हैं कि हमारा जो राइट एंकल है वह अफेक्टेड है, वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुआ है, यानी कि हमारा जो लेफ्ट एंकल है वह नॉर्मल है। तो पहले हमें लेफ्ट एंकल की रेंज ऑफ मूवमेंट मेजर करनी है। तो इस तरीके से राइट लेग को पीछे लेफ्ट लेग को आगे रखे ऐसे पोजिशन में खड़े हो जाना है। यहाँ पर आप टेबल का सहारा ले सकते हो, अगर दीवार के सहारे कर सकते हो तो दीवार के सहारे इस तरीके से खड़े हो जाना है। फिर लेफ्ट नी को ऐसे बेंड करना है और नी को आगे जो दीवार होती है दीवार को टच करना है, या तो यहाँ पर हमारा जो पिलर है टेबल का वहाँ पर ऐसे टच करना है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, जब भी हमारा जो नी है वह आगे टच होता है उस वक्त हमारी हील जमीन से नीचे उठनी नहीं चाहिए। अगर हम इस तरीके से फुट को पीछे ले रहे हैं और एंकल नी को टच कर रहे हैं तो नी टच हो रहा है पर यहाँ पर हमारा हील ऊपर उठ रहा है तो यह हमारी रेंज सही नहीं है। थोड़ा सा हमें फुट को आगे सरकाना है, फिर वापस आप करिए। तो यहाँ पर हमारा नी टच हो गया, हील भी हमारा रेंज नहीं हुआ, तो यह हमारी रेंज सही है। तो यहाँ पर मेजर टेप पर हमें यह जो डिस्टेंस है वॉल से हमारे बीक टो का जो डिस्टेंस है यहाँ पर मेरा 16 सेंटीमीटर है वह डिस्टेंस मेजर कर लेना, यानी कि लेफ्ट जो एंकल है हमारा जो अच्छा एंकल है इनका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जो डिस्टेंस है वह 16 सेंटीमीटर है। तो आपको अभी जो फ्रैक्चर एंकल था उनका हमें रेंज ऑफ मूवमेंट मेजर करना है। तो इस तरीके से मेजर टेप को नीचे दीवार के कॉन्टेक्ट में रख दीजिए। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इतना ही पैर आपका मुड़ रहा है तो अगर आप इतना आगे ले जाते हो तो आपका नी टच नहीं होगा, टच करने जाओगे तो पीछे से आपकी हील रेज हो जाएगी। थोड़ा और आगे ले जाइए, यहाँ पर आने के बाद भी आपका नी टच नहीं हो रहा है, आपका हील रेज हो रहा है। तो थोड़ा और आगे लीजिए, यहाँ पर आने के बाद आपका नी टच हो रहा है, हील भी रेज नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी जो रेंज है वह इतनी है। फिर यहाँ पर आप मेजर टेप पर बिग टो का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। तो दीवार से हमारे बिग टो का जो डिस्टेंस था वह 3 सेंटीमीटर है, यानी कि नॉर्मल जो रेंज थी वह 16 सेंटीमीटर और हमारा जो फ्रैक्चर लेग है इनकी रेंज 3 सेंटीमीटर है। फिर अभी हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर देना है। 3 या तो 4 दिन के बाद वापस आप मेजर करिए, 4 या तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से आप 10-15 दिन के बाद देखोगे तो 10 सेंटीमीटर के आसपास आपकी रेंज हो गई होगी। इस तरीके से आप अपना जो प्रोग्रेस है वह प्रोग्रेस देख सकते हो, इसीलिए आपको मैंने यह सिंपल सी टेस्ट सिखाई है। यहाँ पर इसी टेस्ट में हमारी पहली एक्सरसाइज आ जाती है, यानी कि आपको ऐसे टेबल के सहारे या तो दीवार के सहारे ऐसे खड़े हो जाना है। जो हमारा राइट एंकल है यानी कि फ्रैक्चर एंकल है इनको ऐसे आगे रखना है। फिर आपको इस तरीके से हील को उठाए बिना पूरा वेट फुट पे देखे ऐसे घुटने में से पैर को मोड़ के ऐसे आगे पीछे मूवमेंट करनी है इस तरीके से। तो यह वार्म अप एक्सरसाइज है। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद जहाँ पर हमारी रेंज थी यानी कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारा बिग टो आ रहा है वहाँ पर आपको बिग टो को रख देना है। फिर हील को उठाए बिना नी को आगे दीवार पर टच करना है, यहाँ पर पिलर पर टच करना है, फिर यहाँ पर रुकना है, फिर वापस लाइए। इस तरीके से नी को आगे टच करना है, फिर थोड़ी सी
रेंज बढ़ाइए, यानी कि फुट को 1 सेंटीमीटर जितना पीछे लाइए, यानी कि 4 सेंटीमीटर पीछे लाइए, फिर या इस तरीके से मूवमेंट देनी है। तो ऐसे आपको दिन में 2-3 बार करना है, फिर थोड़ा पीछे ले जाइए। यहाँ पर मेरा नॉर्मल एंकल है इसलिए इतनी आसानी से हो रहा है, पर आपसे इतने आसानी से नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बढ़ाने में भी आपका 1 या तो 2 दिन निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे एफर्ट करके आपको नी को आगे पुश करना है। इस तरीके से आपकी यह पहली एक्सरसाइज हो गई। तो यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके का जो नीचे का टेबल होता है वहाँ पर आप बैठ सकते हो, या तो फिर सोफे पे बैठ के यह एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो पलंग पे बैठ के भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको नीचे बैठ जाना है, फिर धीरे धीरे एंकल को पीछे लेना है, फुट को पीछे स्लाइड करना है, जहाँ पर पेन होना शुरू हो जाए या तो फिर आपका फुट आगे ना जा पाए वहाँ पर रुक जाना है। फिर वहाँ पर रुकने के बाद आपको अपनी बॉडी को उठा के फिर थोड़ा सा बॉडी आगे इस तरीके से स्लाइड करना है। फुट आपका नीचे रहना चाहिए और आपके बॉडी को इस तरीके से आगे स्लाइड करनी है। तो यहाँ पर फुट हमारा नीचे रहेगा और हमारी बॉडी इस तरीके से आगे स्लाइड होगी, तो यह जो रेंज है एंकल की वह रेंज धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो एंगल है वह एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फुट को पहले ड्रैग करना है, जहाँ पर फुट आपका पीछे आ पाए वहाँ पर रुक जाना है, फिर बॉडी को इस तरीके से आगे ड्रैग स्लाइड करनी है। पूरा वेट हमारे एंकल पे आना चाहिए, फुट पे आना चाहिए। यहाँ पर भी आपका हील रेज नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से हमने पहले एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, इस तरीके से यह दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए भी हमें इस तरीके का जो नीचे का टेबल होता है इनका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर जो स्टूल होता है इनका इस्तेमाल करके यह एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का छोटा टेबल या तो स्टूल पर बैठ जाना है, इनके बाद आपको फुट को इस तरीके से पीछे ड्रैग करना है, हील को हमारा जो टेबल है इनके कांटेक्ट में ला देना है। अगर आपका हील कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, आपकी हील ऊपर उठ रही है, यानी कि एंकल की जो रेंज है वह रेंज इनफ नहीं है, तो फिर आपको यह हाइट बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर आप इस तरीके से 2 पिलो रख सकते हो, या तो टेबल की हाइट ज़्यादा हाइट वाली टेबल ले सकते हो। अभी आप देखिए पीछे हील को टच कर दीजिए, हो रही है तो फिर यह हाइट इनफ है, अगर नहीं हो रही तो फिर और हाइट आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर इस हाइट पे आने के बाद थोड़ा सा आपको डिसकंफर्ट लगना चाहिए, यानी कि थोड़ा जो रेंज है वह रेंज आगे बढ़नी चाहिए, थोड़ा कंप्रेशन आना जरूरी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसकंफर्ट लग रहा है, इनके बाद यहाँ पर आपको स्क्वाटिंग करना है, इस तरीके से बैठना है, खड़े होना है, बैठना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है हील आपकी रेज ने रे उठनी नहीं चाहिए और हील टेबल के कांटेक्ट में रहनी चाहिए। इस तरीके से 2 दिन आपको यह एक्सरसाइज करनी है, 10-10 रिपीटेशन दिन में 2 से 3 बार करना है। फिर थोड़ी सी हाइट आपको कम कर देनी है, वापस हील टच कर दीजिए, फिर आपको इस तरीके से स्क्वाट करना है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारे एंकल की जो रेंज है वह बढ़ती जाएगी, एंगल कम होता जाएगा, वापस थोड़ी हाइट कम कर दीजिए, फिर आप यह स्क्वाटिंग 10 रिपीटेशन करिए। इनसे भी अगर आपको हाइट कम करनी है तो इन थोड़ा सा कम हाइट वाला स्टूल ले लीजिए, फिर हील को पीछे टेबल के कांटेक्ट में ला दीजिए, फिर आप इस तरीके से स्क्वाट करिए। धीरे धीरे आपके जो एंकल की रेंज है वह बढ़ती जाएगी, आपका एंगल कम होता जाएगा। तो यह आपको तीसरी एक्सरसाइज करनी है। इनके बाद की जो चौथी एक्सरसाइज है, अगर आपकी इतनी रेंज अच्छी तरीके से आ गई है तो इनके बाद आप विदाउट टेबल भी इस तरीके से यह पोजीशन लेनी है, फिर दोनों हाथ को ऐसे घुटनों पर रख देना है, फिर इस तरीके से डायनेमिक मूवमेंट आपको करनी है, ऐसे नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, इस तरीके से डायनेमिक मूवमेंट आपको करनी है। यहाँ पर धीरे धीरे आपका जो एंकल का एंगल है वह कम होता जाएगा, जो एंगल है वह कम होगा और रेंज आपकी इंप्रूव होती जाएगी। इस तरीके से आप लास्ट में आके ऐसे मोबिलाइजेशन भी कर सकते हो। यह थोड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, अगर आपकी रेंज अच्छी आ जाए उसके बाद ही यह एक्सरसाइज आप करिएगा। तो इस तरीके से स्क्वाट पोजिशन में आ जाना है, जहाँ पर आप नीचे ला जा सको
वहाँ पर ले जाइए और फिर वहाँ पर आपको इस तरीके से ऑसिलेशन देना है, मोबिलाइजेशन करना है, फिर खड़े हो जाइए। तो यह हमारी फोर्थ एक्सरसाइज हो गई है। इनके बाद की जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो यह एक्सरसाइज आपको स्क्वाटिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि इस तरीके से आगे टेबल को पकड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको नीचे जाना है, फिर खड़े होना है, नीचे जाना है, फिर खड़े होना है। हमने आगे जो एक्सरसाइज की थी वही एक्सरसाइज है, पर इसमें थोड़ी रेंज हमें अब बढ़ानी है, आगे सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे जाना है, फिर ऊपर उठना है। तो यह हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज हो गई। इनके बाद की जो एक्सरसाइज है वह आप इस तरीके का जो स्टूल होता है इनके ऊपर कर सकते हो, टेबल पे कर सकते हो, चेयर पे कर सकते हो, या तो कोई हमारा जो स्टेप्स होता है इनके ऊपर कर सकते हो। अफेक्टेड फुट को ऐसे ऊपर रख देना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे थाई पे रख दीजिए, फिर धीरे धीरे आपको इस तरीके से मोबिलाइजेशन करना है। जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी वही एक्सरसाइज का थोड़ा एडवांस फॉर्म है। इस तरीके से मूवमेंट करनी है, जहाँ पर आप ले जा सको वहाँ पर लाइए, मैक्सिमम रेंज अचीव करिए, फिर वहाँ पर हल्का सा इस तरीके से थ्रस्ट देना है, ऑक्सीलेशन देना है, मोबिलाइज करना है। तो इस तरीके से हमें यह लास्ट एक्सरसाइज करनी है। तो फिर से सभी एक्सरसाइज रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने आपको टेस्ट सिखाया, इस तरीके का जो टेस्ट कर लेना है, मेजर कर लेना है। इनके बाद हमें वॉल के सहारे खड़े हो जाना है, फिर इस तरीके से नी को आगे टच करना है, हील आपका यहाँ पर रेज नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज में हमने इस तरीके से चेयर पे बैठ जाना, या तो यहाँ पर हमने स्टेप्स का इस्तेमाल किया था, फिर आपको फुट को जहाँ पर आप ले जा सको वहाँ पर लाइए और बॉडी को आगे इस तरीके से शिफ्ट करना है, पूरा वेट हमारे फुट पे देना है। तीसरी एक्सरसाइज में हमें स्क्वाट करना है, पीछे इस तरीके से हील को टच कर देना है, फिर खड़े होना है, बैठना है। तो यह हमारी थर्ड एक्सरसाइज हो गई। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने इस तरीके से ऑसिलेशन किया था स्क्वाटिंग पोजिशन में। फिफ्थ एक्सरसाइज में हमने आपको पूरा स्क्वाटिंग बताया था, इस तरीके से आप नीचे बैठ सकते हो। सिक्स्थ एक्सरसाइज में हमने यह इस तरीके से टेबल पे पैर रखे ऑसिलेशन करना सिखाया था। तो इस तरीके से हमें यह छः एक्सरसाइज करनी है। दिन में आप जब भी टाइम निकाल पाओ तब आप यह एक्सरसाइज कर दीजिए। किसी भी जगह पर आप यह एक्सरसाइज कर सकते हो, यहाँ पर कोई टूल की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जगह पर कोई भी टाइम पर यह एक्सरसाइज करके एंकल की रेंज बढ़ा सकते हो, आप अपनी फंक्शनल एक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।